हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रोशिए से कुछ डिज़ाइन बताने जा रही हूँ मैं आपको। तो सिंपल क्रोशिए का किस तरह से चलाया जाता है उसकी वीडियोस मैंने डाली है, एक वीडियो डाली है उसकी मैंने क्रोशिए चलाने की। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ डिज़ाइंस। तो मैं आपको क्रोशिए से सिंपल सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम सिंपल डिज़ाइन क्रोशिए से बना सकते हैं। एक जो हम राउंड वाला डिज़ाइन डालते हैं, गोल गोल से जो हम स्टार्ट करते हैं, वो किस तरह से बनाया जाता है। तो उसके लिए हम पहले क्रोशिए से दो तीन वो ले लेंगे इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। मेरी आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर रखी है पहले। तो इस तरह से पहले आप निकालते जाएं, एक मैंने निकाल दिया है, उसी तरह से अब ये दूसरा निकाल दिया है, उसी तरह से अब यहाँ से इस तरह से हम धागा लेंगे और यहाँ से तीसरा निकाल दिया है, तीन हो गए। देन फिर से हम यहाँ से अंदर वाली साइड से धागा लेंगे और इधर से निकाल देंगे, चार हो गया। बस चार ही हम यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद अब हम यहाँ से ये जो सबसे पहले वाला हमने लिया था ना, इसके बीच से निकालेंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे। देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ से। तो इधर से अब हम अंदर डालेंगे इसको, यहाँ से ये धागा पकड़ के बाहर निकाल देंगे। देख रहे हैं इस तरह से, फिर से दिखा देती हूँ आपको मैं। यहां से ये जो सबसे पहले वाला हमने लिया था, हमको सीधे क्रोशिए को वहां से अंदर डालना है, आगे से इस धागे को लेना है और फिर इस साइड से बाहर निकाल देना है। समझ आया? अभी हमने इन दोनों का एक बनाना है, ये दो है हमारे पास, इन दोनों का हमको एक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से धागा लेंगे और इन दोनों के बीच से निकाल देंगे। समझ आया? मैंने उसको एक गोल सी शेप दे दी इस तरह से। पहले वो सीधा था, सीधे का मैंने लास्ट वाले से निकाल के उसको एक गोल शेप दे दी। आप देख रहे हैं गोल शेप। अब हमको क्या करना है, बस गोल के सेंटर से हमको लेते जाना है। तो जब आपका इस तरह से ये एक राउंड बन जाएगा, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। यहां से इस धागे को उंगली पे पकड़ के रखना है और यहां से क्रोशिए पे धागा लेना है, और जो इसके सेंटर में आपको ये जगह दिख रही है ना, सेंटर में एक सुराख बन गया है ये वाला, बस इसी सुराख में से हमें निकालते जाना है। यहां से धागा ले और यहां से सुराख के बीच में डाल दें और दूसरी तरफ से धागा लेके यहां से बाहर निकाल दें। तो अब जब हमने बाहर निकाल दिया, तो ये हमारे कितने बन गए, तीन, एक दो तीन। पहले हम दो में से निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इन दो में से निकालेंगे, लास्ट के दो, इन दोनों में से निकाल देंगे। तो ये हमारा बन गया एक, ठीक है, समझ रहे हो, ये एक बन गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, यहां से इस धागा उठाएंगे, फिर से जो सेंटर वाली जगह है यहां से डालेंगे, फिर से आगे से निकालेंगे और फिर से दो का एक, फिर दो का एक, समझ रहे हैं। मैं क्लोज करके दिखाती हूं आपको। अब फिर से क्या करना है, यहां से धागा ले गया, सेंटर से डाला, उधर से धागे को पकड़ा और यहां से बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर दो में से एक बार निकालेंगे, फिर दो में से एक बार निकालेंगे। पहले मैंने चार बनाए, चार को मैंने राउंड कर दिया। अभी मैंने कितने बना दिए, एक दो तीन, तीन बना दिए। फिर से हम यहां से लेंगे, फिर से यहां से डालेंगे, फिर से हम आगे से निकालेंगे और फिर से दो का एक और फिर से दो का एक, देख रहे हैं। फिर से अब मैं आपको करके दिखाती हूं। आपने इतने सारे बनाने हैं कि आपका ये बहुत अच्छे से ढीला ढीला बने, पूरा एक चक्र बनना चाहिए इसका। तब तक आप बनाते रहें। मैंने यहाँ पे मोटा धागा लिया है तो मेरे से कम बनेंगे, अगर आप पतला धागा लोगे तो आपके ये ज्यादा बनेंगे। फिर से लिया, फिर से निकाला, फिर से निकाला। तो ये देखो, ये मेरे कितने बन गए हैं, देखो, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, तो ये मेरे कितने बने हैं, आठ। तो अब आपको क्या करना है, इसके साथ इसको जोड़ देना है, जो ये वाला है इसको इसके साथ जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, अभी हम क्रोशिए पे धागा नहीं लेंगे, सीधा जोड़ेंगे। कैसे, सीधा हम इसको पिन को यहां पे डालेंगे, क्रोशिए को यहां पे डाल के,
आगे से धागा पकड़ेंगे और धागे को बाहर निकाल देंगे इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, ढीला करके एक धागा और इस तरह से डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये पूरा एक राउंड बना है, ध्यान से देखिए, पूरा एक चक्र बन गया है, पूरा ये राउंड बन गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इसी के ऊपर आपको इसको बढ़ाते जाना है। पहले तो हमने यहाँ सेंटर में से लिया है, अभी हमको सेंटर से नहीं लेना है, अभी हमें यहाँ यहाँ से लेना है। जैसे यहाँ पे एक बन गया, दो बन गए, तीन बन गए, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, तो नौ नौ के करीब हमारे यहाँ पे ये बने हैं। तो हमें हर एक में से दो दो लेते जाना है, दो दो बनाते जाना है एक एक में से। तो कैसे बनाएंगे, अब हम यहां से हम धागा लेंगे क्रोशिए पे, और जैसे पहला वाला हमारा ये है, तो इसके बीच में हम डाल देंगे और आगे से धागा पकड़ के पीछे निकालेंगे। दो में से निकाला, फिर दो में से निकाला। अब फिर से हम इसी में से दोबारा लेंगे सेकेंड टाइम, इस तरह से फिर से दो में से निकाला, दो में से निकाला। अब फिर से जब नेक्स्ट वाले में लेंगे, फिर से दो बनाएंगे, इसमें भी दो बनाएंगे, इसमें भी दो बनाएंगे, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, सब में लास्ट तक हम दो दो बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं सब में से दो दो बनाती जा रही हूं, तो हमारा ये जो सीधा है ये बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं पीछे वाली साइड से भी और आगे वाली साइड से भी, तो ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से हम सभी में से दो 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 सब में से निकाल देंगे, और थोड़ा सा आपको यहां इन दो रोज में धागा ढीला रखना है। ये धागा जो है इसको ज्यादा खींच के नहीं बनाना है, थोड़ा सा ढीला रखना है, ताकि आपका ये जो है चक्र जो है ये धीरे आराम से बने। अगर खींच के बनाओगे तो यहाँ पे इस तरह से ना टोपी टाइप बन जाएगा, इस तरह से ऐसे टोपी टाइप बन जाएगा। तो इसीलिए आपको इसको ढीला रखना है धागे को, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। फिर से यहां से लेना है नेक्स्ट, बस इसी तरह से आपको करते जाना है, तो आपका चक्र एकदम बढ़ता जाएगा। आप चाहें तो यहां पे एक एक में से तीन तीन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो दो दो भी ले सकते हैं, वो धागे पे डिपेंड करता है। अब मेरा धागा मोटा है तो मेरा दो दो से भी चल रहा है, आपका धागा पतला होगा तो आप एक एक में से तीन तीन भी ले सकते हैं। बस देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको तीन लेना है कि दो लेना है। धागे को थोड़ा सा ढीला रखना है, खींच के नहीं रखना है धागा। तो इसी तरह से मैं बनाती जाऊंगी। तो इस तरह से ही आप गोल जो है बस आगे बनाते जाएं बनाते जाएं, तो आपका एक बहुत बड़ा सा रुमाल बन जाएगा, टेबल कवर बन जाएगा, राउंड का, राउंड शेप का। आप बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन के कुछ भी बना सकते हो, रुमाल बना सकते हो, अपने टेबल पे कप रखने के लिए वो छोटे छोटे से गोल गोल से एक वो क्लॉथ बना सकते हो गोल से डिजाइन से। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो, जैसा भी आप चाहो, बस आप ये राउंड राउंड करना ऐसे, मतलब इस तरह से जैसे मैं कर रही हूं, इस तरह से करते जाएं तो बहुत प्यारा सा बन के रेडी होगा आपका ये। वेरी सिंपल। बस अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता है तो आप एक बार मेरी वो दूसरी वाली वीडियो देख लें जो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, तो आपको पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा। बस इसी तरह से आपको बढ़ाते जाना है, तो आप देखेंगे कि आपका एकदम से बहुत प्यारा सा ये राउंड सा एक कवर बन के तैयार हो जाएगा। आप इस तरह से रुमाल बना सकते हैं, टीवी कवर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बस इसको बढ़ाते जाना है। बस आपने ये ध्यान रखना है, ये जो सेंटर है, बस यहां से जब आपने अच्छे से स्टार्ट कर लिया, वो बस इस सेंटर में से आपने बहुत सारे लेने हैं। उसके बाद जितने भी आते जाएंगे उनमें से आपने दो 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 दो, अगर धागा मोटा है तो दो दो, अगर धागा पतला है तो तीन तीन लेते जाएं।
फिर उसके बाद आगे 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 बढ़ता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा। आप बस बनाते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बस देखो कितने अच्छे से हमारा बना है, एकदम पतला और फ्लैट। देखो बस इसको थोड़ा सा, और जब आपको इसको बंद करना होगा तो क्या करोगे आप, बस यहां से धागा लो, धागा नहीं चढ़ाना है इसके ऊपर, क्रोशिए के ऊपर धागा नहीं चढ़ाना है बंद करने के लिए। बस जस्ट इसको सिंपल यहां से अंदर डाल दो, जो आपका लास्ट वाला उसके आगे वाला पॉइंट है वहां से अंदर डाल दो, या फिर इस तरह से देख रहे हो, तो फिर यहां से धागा पकड़ के निकाल लो और इन दोनों के बीच से धागा इस तरह से निकाल दो। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा बंद हो गया, देख रहे हैं कितने अच्छे से पूरा क्लोज हो गया है। अब इसको आप यहां से बैक साइड पे इस तरह से करके कहीं भी धागे को अटका लें, इस तरह से करके गांठ लगा लें, ऐसे करके पीछे इधर से इन दोनों को आपस में गांठ लगा लें। तो आपका ये आगे वाला बहुत अच्छे से राउंड सा बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से आप, मैं आपको और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बताती रहूंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अगर आपको और भी कोई डिजाइन सीखना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि कौन सा डिजाइन आपको सीखना है, तो मैं आपको और भी डिजाइन बताती रहूंगी क्रोशिए के बहुत सुंदर सुंदर डिजाइंस। तो अभी तक के लिए यही वाला डिजाइन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।